नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए अनार से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, एक अनार सौ बीमार, अर्थात अनार एक ऐसी महाऔषधि है जो अनेकों बीमारियों का उपचार करती है। यह अपने स्वास्थ्य के लिए पोषक गुणों की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनार फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन के और बी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक जैसे और भी अन्य पोषक तत्व निहित हैं। यह फल ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी एक अच्छा स्रोत है। अनार का फल ही नहीं अपितु इसका हर एक अंश शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अनार के पेड़ की जड़, पत्तियाँ, छिलका, बीज आदि सभी औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैं। यह पाचन शक्ति को बेहतर करता है, वीर गठन को बढ़ाता है, स्मृति को सक्रिय करता है, हवा, पित्त, कफ की वजह से शरीर में हुए असंतुलन को ठीक कर देता है, हीमोग्लोबिन के गठन को बेहतर बनाता है और एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है। आइए हम भी इस चमत्कारी फल के चमत्कारी गुणों को विस्तार में जानें। मित्रों अनार के पोषक तत्व आपको सुंदर, जवां एवं बेदाग त्वचा भी देते हैं। यह विटामिन सी व एंटीऑक्सीडेंट्स का एक प्रचुर स्रोत है जो बढ़ती उम्र की त्वचा को पोषित कर झुर्रियों को त्वचा की सुंदरता को कम करने से रोकता है। इसमें और भी अन्य पोषक तत्व हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं। प्रतिदिन एक अनार अपने आहार में शामिल करें। एथनोफार्माकोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक 2006 के अध्ययन के अनुसार अनार कोलेजन संश्लेषण को बढ़ावा और मैट्रिक्स मेटलोप्रोटेंस 1 के उत्पादन को रोक त्वचा को जवान बनाए रखता है। मित्रों अनार में एंटी प्लाक गुण पाए जाते हैं जो समग्र मौखिक स्वास्थ्य में सुधार ला उसे तरोताजा कर देते हैं। अनार में मौजूद तत्व दंत पट्टिका के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। पट्टिका गठन को कम करके यह दांत क्षय, पायरिया, मसूड़ों की सूजन और कृत्रिम दांतों स्टोमेटिटिस जैसी दंत समस्याओं के जोखिम को कम कर देते हैं। जीवन के प्राचीन विज्ञान में प्रकाशित एक 2011 के अध्ययन की रिपोर्ट में पाया गया कि अनार के रस से कुल्ला करना पट्टिका गठन को 32% तक कम कर देता है। मित्रों अनार आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सेहतमंद होता है। यह रक्त धमनियों को पोषित कर रक्त प्रवाह में सुधार लाता है। इटली में नेपल्स विश्वविद्यालय में किए गए एक 2005 के अध्ययन के अनुसार अनार का रक्त धमनियों के सख्त होने के उपचार एवं उससे बचाव में मदद करता है। इसके अलावा ब्रिटिश के पोषण जर्नल में प्रकाशित एक 2010 के अध्ययन में पाया गया है कि 800 मिलीग्राम अनार के बीज का तेल ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन के अनुपात में सुधार लाता है। मित्रों अनार उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी एवं नाइट्रिक ऑक्साइड का एक अच्छा स्रोत है। इसके पौष्टिक गुण रक्त प्रवाह को नियमित करने एवं रक्त धमनियों को पोषित करने के लिए जाने जाते हैं। यह दिल के दौरे के होने की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में प्रकाशित एक 2011 के अध्ययन का कहना है कि अनार का रस सिस्टोलिक रक्तचाप कम करता है। रोजाना एक गिलास अनार का जूस पिए और रक्तचाप को नियंत्रित करें। परंतु मित्रों ध्यान रहे, अनार का सेवन करते समय रक्तचाप के स्तर को देखते रहें, क्योंकि विशेष रूप से जब आप अनार का सेवन ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ कर रहे हों। मित्रों अनार जोड़ों एवं उससे संबंधित समस्याओं का भी एक सफल उपचार है। संधिशोथ, अस्थि संधिशोथ और समग्र जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए अनार के बीजों का सेवन दैनिक नियमित रूप से करें। यह एंटीऑक्सीडेंट एवं सूजन को कम करने वाले गुणों से युक्त है और जोड़ों में आई अकड़ एवं सूजन को कम करने में सक्षम है।
2005 में पोषण के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अनार में ऐसे तत्व समाविष्ट हैं जो जोड़ों को क्षति पहुंचाने से रोकते हैं। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना एक गिलास अनार का जूस पिएं, लेकिन यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें और आप अनार के जूस एवं किसी भी तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर उससे मालिश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, अनार का सेवन करने से स्मरण शक्ति को तो बढ़ावा मिलता ही है, परंतु साथ ही में यह अल्जाइमर जैसी दिमाग से संबंधित विकारों को भी हराने क्षमता रखता है। 2013 में एक शोध में पाया गया कि अनार दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्र संबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है। मित्रों, अनार एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। यह शरीर में लौह की कमी को पूरा कर रेड ब्लड सेल्स की संख्या को भी बढ़ाता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी कर उसके प्रवाह में भी सुधार लाता है। इसके अलावा यह विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो लौह के अवशोषण में सहायता करता है। इस फील्ड में हुए शोधों के अनुसार अनार एनीमिया के लिए एक बहुत ही सक्षम डाइटरी सप्लीमेंट है और एनीमिया के लक्षणों से लड़ने में शरीर को पूरा सहयोग देता है। एनीमिया को मात देने के लिए रोजाना अपने सुबह के नाश्ते के साथ एक कप अनार का जूस पिएं तथा इसका दूसरा विकल्प यह है कि आप अनार के बीजों को पीसकर चूर्ण बना लें और रोजाना सुबह आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर पी लें। मित्रों, अनार की स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता छोटी छोटी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने का भी सामर्थ्य रखता है। यह कैंसर की कोशिकाओं का नाश कर ट्यूमर के विकार पर पूर्ण विराम लगाता है। अनार के फल का सेवन प्रोस्टेट, फेफड़े, स्तन एवं स्किन कैंसर में अत्यंत लाभदायक होता है। इस फील्ड में किए जाने वाले अनेक शोधों ने अनार के स्तन एवं स्किन कैंसर पर सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की है। अनार कैंसर से बचाव करने में भी अति सक्षम है। कैंसर से बचाव करने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए अनार को अपने दैनिक आहार में शामिल करें। मित्रों, जो लोग मधुमेह या फिर किसी भी उपापचय संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए अनार बहुत ही फायदेमंद फल है। यह इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम करता है और मधुमेह से होने वाली समस्याओं से भी बचाव करता है। पोषण अनुसंधान में प्रकाशित एक 2013 के अध्ययन में पाया गया कि अनार के रस में अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मित्रों, अनार उन महिलाओं के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं जो गर्भवती होने का प्रयास कर रही हैं। यह गर्भाशय में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उसे सशक्त कर देता है और गर्भपात के खतरे को कम कर देता है। फार्माकोग्नासी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार अनार प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और गर्भधारण करने में सहायता करता है, परंतु यह अध्ययन इस बात को भी उजागर करता है कि अनार के अधिकतम सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। अनार में विटामिन सी और के साथ साथ फॉलिक एसिड भी होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को बढ़ावा देता है। यह शरीर को चिंता और तनाव से भी मुक्ति प्रदान करने में सहायक है जो गर्भ धारण करने में और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। गर्भ धारण की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और छाल का चूर्ण बना लें और उन्हें बराबर मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण को एक हवा बंद डिब्बे में रख दें और कुछ हफ्तों के लिए रोजाना दिन में 2 बार आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पी लें। रोजाना दिन में 1 बार 1 गिलास अनार के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।